राम राम भैया राम 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 भैया। मैं आप ये बताओ कि आप यहाँ पर काय कर रहे हैं। ट्राइकोडर्मा से त्वर का बीज को उपचार कर रहा है। अच्छा भैया, मैं आप ये बताओ कि आप ट्राइकोडर्मा से त्वर का बीज का उपचार क्यों कर रहे हैं। ट्राइकोडर्मा से हम उपचार कर रहा है, एका से उपचार कर रहा है कि एका से जो जड़ का उसका बीज की बीज का जो जड़ का बीमारी लगाई वो एका से ट्राइकोडर्मा से उसको रोकथाम हुई पाओ। एका से ट्राइकोडर्मा से हम एको उपचार कर रहे हैं। अच्छा भैया, मैं आप ये बताओ कि जो आप ट्राइकोडर्मा से मतलब तोर का बीज को उपचार कर रहा है, एक हम काई सामग्री लगाए। ट्राइकोडर्मा से बीज का उपचार के लिए जो सामग्री लगाए, एक प्लास्टिक की थैली, एक तगारी, उपचार करने के लिए 1 किलो तोर को बीज, 1 किलो तुअर का बीज में 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा लगाए और आवश्यकता अनुसार पानी लगाए। अच्छा भैया, मैं आप ये बताओ कि आप जो ट्राइकोडर्मा से तोर का बीज को उपचार कर रहे हैं, तो एक आपके सावधानी भी रखनी पड़े। सावधानी रखनु पड़े, नहीं मात्रा को ध्यान रखनु पड़े। 1 किलो तुअर का बीज में 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा उपयोग करी सकें अपन। पानी की मात्रा को भी ध्यान रखनु पड़े, आवश्यकता अनुसार ही पानी भी मिलाऊ काम। बीज को उपचार समझदार व्यक्ति न करनु, कोई बच्चा या ना समझ व्यक्ति बीज को उपचार नहीं कर उसको ध्यान रखनु। उपचार करने का बाद आधा घंटा तक एक छाव में रखी न सुखाड़नु चाहिए। उपचारित बीज का उना दिन लगे देनु चाहिए। अच्छा भैया, मैं आप ये बताओगे कि जो आप बीज को उपचार करो तो बते रहा कि वना दिन लगे देनु चाहिए, तो एक मतलब ये 2-4 रोज बाद नहीं लगे सकता कहीं। उपचारित बीज का अगर अपन 2-4 रोज बाद लगाऊंगा तो उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाए, एका से उनाज रोजों का लगाना चाहिए। अच्छा भैया, मैं आप ये बताओगे कि आपने एक यह भी बात बताई थी कि उपचारित बीज का मतलब हमेशा आधा घंटा तक छाव में सुखाना चाहिए, तो कहीं अपने को धूप में नहीं सुखा सकता कहीं। एकाम जो बैक्टीरिया रहे अगर ओका अपन धूप में सुखाऊंगा तो वो नष्ट हो जाएगी, इसलिए एक छावन में सुखाना चाहिए।